show you off in Lambos out on Collins. I be हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं किया की तरफ से आने वाली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि रहेगी सोनेट। आज हम देखने वाले हैं इसका एचडीएक्स प्लस वेरिएंट जो कि रहेगा टॉप एंड वेरिएंट इसकी टेकलाइन सीरीज का। अब फ्रंट साइड से स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल मिल जाती है एंड उसी के सराउंडिंग में क्रोम वर्क भी आ जाता है। एंड अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर आपको क्राउन जो एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड उसी के ऊपर आपको एलईडी डीआरएल्स भी मिल जाते हैं। अब नीचे की तरफ इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, उसी के सराउंडिंग में क्रोम वर्क भी आ जाता है। एंड अगर और नीचे से देखें तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट भी मिल जाती है। ओवरऑल इसका फ्रंट लुक काफी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लगता है। एंड अगर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग एंड 16 इंचेस के डायमंड का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड जो आप वेरियंट देख रहे हैं ये इसका ड्यूअल टोन ऑप्शन, तो इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के ओआरवीएम्स मिल जाते हैं जो की इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको क्रोम डोर हैंडल्स, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड अगर रूफ से देखें तो सिल्वर फिनिश के अंदर रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना भी आ जाता है। एंड अब रियर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एलईडी टेल लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ इसके अंदर आपको ड्यूअल मफलर डिजाइन एंड सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट मिल जाती है। साथ ही साथ इस वेरियंट के अंदर आपको रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 392 लीटर का बूस्ट स्पेस मिल जाता है। एंड अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो फ्रंट और साइड से कार काफी ज्यादा मॉडर्न लगती है, बट रियर इसका हैचबैक जैसा ही लगता है। एंड अब कलर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट कलर आपने देख ही लिया था, गोल्ड विद ब्लैक रूफ। ये इसका सेकेंड कलर जो कि रहेगा व्हाइट विद ब्लैक रूफ। एंड अगर किया सोनेट के वेरियंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी सारे वेरियंट मिल जाएंगे जो कि रहेंगे एचटी, एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस। एंड अगर आप जीटी लाइन लेते हैं तो उसके अंदर आपको जीटीएक्स ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप देखते हैं इसका नेक्स्ट कलर जो कि रहेगा रेड विद ब्लैक रूफ। अब अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके एचटीएक्स प्लस वेरियंट के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रहेगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर निकालता है, 172 Nm का टॉर्क। ये आपको खाली 6 PS IMT के साथ ही मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। एंड अब दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये रहेगा 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 100 PS की पावर निकालता है एंड 240 Nm का टॉर्क। ये भी आपको खाली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। एंड अब आप देख रहे हैं इसका सिंगल टोन कलर जो कि रहेगा व्हाइट कलर। एंड अगर सोनेट के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो रहेगी मारुति सुजुकी ब्रेजा, ह्यूंडई वेन्यू, होंडा WRV, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सॉन, टोयोटा अर्बन क्रूजर, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड रेनो काइगर। एंड अब आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर जो कि रहेगा गोल्ड कलर। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स, ABS+CVT, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर जो कि रहेगा ब्लू कलर। एंड अब इसके HTX प्लस वेरियंट के ऑन रोड प्राइसेस की बात करें तो टर्बो IMT आपको 13,50,000 का ऑन रोड पड़ जाता है। एंड अगर बात करें डीजल मैनुअल की तो ये आपको 14,13,000 का ऑन रोड पड़ जाता है। एंड जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर आप 12,000 और इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसका ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर जो कि रहेगा ब्लैक कलर। ये काफी ज्यादा प्रीमियम कलर लगता है किया सोनेट के ऊपर। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर ऑप्शन की बात करें तो ये रहेगा इसका ग्रे कलर। एंड अगर हम कंपेयर करें जीटी लाइन को एचटीएक्स प्लस वेरिएंट से तो जीटी लाइन में आपको रेड इंसर्ट मिल जाते हैं एंड एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि रहेगा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अब बात करें नेक्स्ट कलर ऑप्शन की तो ये रहेगा इसका स्टील सिल्वर कलर। एंड अब आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर ऑप्शन जो कि रहेगा इंटेंस रेड कलर। तो चलिए हम चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड देखते हैं एचटीएक्स प्लस वेरियंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अब इंटीरियर से देखें तो इसके अंदर आपको ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर सीट्स एंड फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ड्राइवर साइड डोर से बात करें तो इसके अंदर आपको ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs के कंट्रोल भी मिल जाते हैं। एंड अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो कि लेदर रैप्ड आएगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो ये आपको हर एक वेरिएंट के अंदर डिजिटली मिलेगा। एंड सेंटर से इसके अंदर आपको 10.25 इंचेस की एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ एंड काफी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करती है। इसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
एंड एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि सिल्वर सराउंडिंग के साथ आएंगे। एंड अगर और नीचे से देखें तो इसके अंदर आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड 2 USB के पोर्ट भी मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर डैशबोर्ड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एयरी फीलिंग भी आती है। और नीचे से देखें तो ये आप देख रहे हैं इसका AMT गियरबॉक्स जिसके अंदर आपको क्लचलेस ट्रांसमिशन मिलता है। इसी के सराउंडिंग में आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है एंड नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स एंड फ्रंट आर्मरेस्ट भी आ जाता है। एंड इसकी 10.25 इंचेस वाली स्क्रीन के अंदर आपको वॉइस रिकॉग्निशन एंड साउंड मूड लाइटिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके HDX प्लस वेरियंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि एयर प्योरीफायर जो कि आपके फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे होगा एंड उसको आप इसी इंफोटेनमेंट स्क्रीन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब पैसेंजर साइड एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लेदर स्टिचिंग मिल जाती है डोर के ऊपर एंड एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कैबिन बन जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं बोस की तरफ से जो कि साउंड एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं इसके इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर से और फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, सनग्लास होल्डर, 2 कैबिन लैंप्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद कीलेस एंट्री जैसे फैंसी फीचर्स मिल जाते हैं। रूफ से देखें तो इसके अंदर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड सेफ्टी के लिए इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट 2 सीट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं एंड अगर रियर सीट्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। रूफ से देखें तो इसके अंदर आपको कैबिन लैम्प मिल जाता है एंड ओवरऑल अगर रियर कैबिन की बात करें तो आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता जितने इसके कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर देते हैं। एंड इसके रियर डोर्स के अंदर आपको मैनुअल सनशेड, पावर विंडो के कंट्रोल एंड एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। एंड अगर आप इसका GT लाइन वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको साइड एंड कर्टन एयरबैग्स एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग इसका HDX वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसके HDX प्लस वेरिएंट से। अगर आप इतना स्पेंड कर ही रहे हैं तो इसका GT लाइन वेरिएंट ले लें क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।